नीति पर राजस्थान के लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नजरें हैं। दरअसल इस नीति से सरकार चाहे तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भविष्य संवार सकती है और इसी नीति के जरिए केंद्र पर शिक्षक लगाए जाएंगे। अब ऐसे में अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शिक्षकों की जिम्मेदारी थमा दी जाती है तो फिर वो राज्य कर्मचारी भी बन जाएंगे। अब विभाग का काम आसान हो जाएगा। एक रिपोर्ट दिखाते हैं को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बनी घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करें। यह खबर बेहद खास है, सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनें ध्यान से देखें। ब्रेकिंग न्यूज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं बन सकेंगी शिक्षिका, यह होगी शिक्षक बनने की योग्यता और ट्रेनिंग पीरियड। यह खबर 23 अक्टूबर को देश के जाने माने मीडिया संस्थान जी न्यूज के राजस्थान पोर्टल पर छपी है। आइए अब आपको जी न्यूज की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की उम्मीदें गहलोत सरकार से बढ़ गई हैं। इस नीति से कार्यकर्ताओं को आसानी से राज्य कर्मचारी बनने का मौका मिल सकता है। इसके साथ साथ बिना किसी माथापच्ची के महिला एवं बाल विकास विभाग को आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अनुभवी शिक्षक भी मिल जाएंगे। इसे लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नजरें गहलोत सरकार पर हैं कि वे इस राष्ट्र नीति पर क्या फैसला लेती है। 45 सालों से आंगनबाड़ी वर्करों का वही हाल है जिसमें हमारे चार कैडर है, कार्यकर्ता है, सहायिका है, ग्राम साथी और सहयोगी है। हमने चारों कैडरों को लेकर हम चल रहे हैं साथ में, तो हमने संविदा कर्मी मान के और नियमित किया जाए। हमारी जो सेवा पुस्तिका है, जो सेवा नियम है, उनमें नियमावली में कुछ संशोधित करके और हमें भी राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, ये हमारी मांग। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर शिक्षक लगाए जाएंगे। इन शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसमें सरकार दो तरह से शिक्षक लगा सकती है। पहला, ग्रेजुएट पास अनुभवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6 महीने की ट्रेनिंग देकर शिक्षक लगाया जाए। दूसरा, बाहर से शिक्षकों के लिए भर्ती निकाल कर केंद्रों पर लगाया जाए। इसके लिए इन शिक्षकों को 4 साल की ट्रेनिंग जरूरी होगी। राजस्थान में 62,000 आंगनबाड़ी केंद्र है जिसमें लगभग 1.5 लाख आंगनबाड़ी कर्मी है जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। उसके अलावा जो ये एंटिटी लगाए जा रहे हैं उसमें भी है ना वर्करों के पास एक्सपीरियंस है, लेकिन एंटिटी दूसरे लगाए जा रहे हैं जबकि इन्हीं को लगाना चाहिए जो क्वालिफाई है या फिर उनके पास एक्सपीरियंस है। अदर डिपार्टमेंट से लेके वर्करों में से ही लिया जाना चाहिए। राजस्थान में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पढ़ाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं ग्रेजुएट हैं। ऐसे में यदि सीधे इन्हीं कार्यकर्ताओं को शिक्षक बनाया जाता है तो विभाग की माथापच्ची भी कम होगी और आसानी से विभाग में ही शिक्षक मिल जाएंगे। इसके साथ साथ इनका अनुभव भी विभाग और केंद्रों के काम आ सकेगा। जबकि बाहर से शिक्षकों की भर्ती की जाती है तो वो खर्चीला भी अधिक होगा और समय भी ज्यादा लगेगा। इसलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग है कि अनुभवी और पढ़ी लिखी कार्यकर्ताओं को शिक्षक बनाया जाए। सरकार से मेरा आग्रह, हमारे संगठन का आग्रह है कि हमारे लिए एक नीति बनाई जाए और जो मानदेय कर्मी हमें बता रहे हैं, हम इतना वर्क करते हैं 8 बजे से लेके हमारा कोई टाइम नहीं है आने का। हम फील्ड वर्क भी करते हैं, हमारी LS हैं सब, हमें बार बार हर चीज़ की बार बार रिपोर्टिंग मांगती है। तो सर जो हमारा 4 घंटे का टाइम पीरियड है वो 4 घंटे का नहीं है, हम 6 घंटे से भी ज़्यादा काम करते हैं। राष्ट्रीय नीति लागू होने के बाद अब तक महिला एवं बाल विकास विभाग ने कोई नीति नहीं बनाई है। ऐसे में लाखों कार्यकर्ताओं को सरकार और ICDS से उम्मीद है कि जल्द से जल्द नीति बनाए ताकि उनका भविष्य संवर सके।